मैं सुशील मोहन इलवाइस के साथ आज उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद कृष्ण। अपने द्विदिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राम मोरोड़ा तिवाड़ा गांव विकास खंड थौलदार में आयोजित पर्यटन ग्राम पंचायत चौपाल कार्यक्रम प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मोरोड़ा तिवाड़ गांव को में पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने तिवाड़ गांव एक लिंग का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों महिलाओं विभिन्न व्यवसायियों ने पर्यटन पर आधारित ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए एवं पर्यटन से संबंधित समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने के प्रयासों से हॉकी खिलाड़ी बॉबी सिंह धामी को मिली हॉली किट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की सहायता। सीएम की पहल पर मैशर्स वहल पेपर मिल लिमिटेड द्वारा CSR में की गई सहायता। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के उप कप्तान हैं बॉबी सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में खेल प्रतिभाओं को निर्धारित निखारने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। नई खेल नीति हो वृहद स्तर पर खेलों का आयोजन धामी सरकार लगातार नई आयामों को छू रही है। उत्तराखंड उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी धामी सरकार आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रही है। इसी कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के हॉकी खिलाड़ी बॉबी सिंह धामी जो भारतीय जूनियर हॉकी टीम के उप कप्तान हैं द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से मुलाकात कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के अनुरोध किया है, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा यथोचित सहयोग उपलब्ध कराने के आश्वासन दिया गया था। दिवसीय टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार टिहरी मुख्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम प्रतिभाग करने के उपरांत रात्रि विश्राम हेतु ग्राम तिवाड़ गांव विकास खंड थौलदार स्थित श्रीमती ममता पंवार कुटुंब होम स्टेट पहुंचे। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी को गांव में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों का हालचाल जाना, उसके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न होम स्टेशनों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नगर पालिका ऑडिटोरियम बोराड़ी में मुख्य सेवक आपके द्वारा जन संवाद कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर NRLM पंचायती राज सहकारिता सैनिक कल्याण पर्यटन कृषि मत्स्य उद्यान समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। कार्यक्रम में श्रीमती सविता भट्ट ने कहा कि उन्होंने पंचायती राज विभाग के माध्यम से उड़ीसा जाने का मौका मिला। उड़ीसा में बाल एवं महिला हितैषी पंचायत के रूम में उड़ीसा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई। इस तरह के भ्रमण कार्यक्रमों से राज्यों में भी हो रहे विभिन्न कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। श्री मुन्ना सिंह पवार ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों को जो कृषि मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है, इस कार्यक्रम में आए जिसके संसाधन बड़े है। श्री मंगल सिंह नेगी ने कहा कि कोविड के लॉकडाउन के बाद उनकी नौकरी छूट गई थी, उन्होंने सीएम स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरा, चार लाख रुपए का लोन लिया और पोल्ट्री फॉर्म खोला, इससे उनकी आजीविका में तेज़ी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम रोजगार योजना लागू के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं भरत सिंह रावत ने कोविड
काल में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने होम स्टे का कार्य शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने 8 लाख रुपए लोन लिया। अभी भी अच्छे मुनाफे में। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा होम स्टे के लिए चलाई गई योजना से उनके जीवन में आशा की नई किरण है। उन्होंने सुझाव दिया कि GMM की तर्ज पर होम स्टे के लिए भी बुकिंग का संचालन होगा। तो इससे इस कार्य में कार्य करने वालों की आय जीविका बढ़ेगी। सुशांत उनियाल ने कहा कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मशरूम की फार्मिंग शुरू की है। इसके लिए उन्होंने सरकार से 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। आज वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा उनके गांव डटूर में सड़क नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टीरी को इसका प्रस्ताव शासन भेजने को निर्देश दिए हैं। धन्यवाद के साथ मैं सुशील, ये थे आज तक के मुख्य।